हे गाइस, वेलकम बैक माय व्लॉग। जो भाई मिडिल क्लास के हैं ना, बंदे होते हैं ना, उनका एक सपना रहता है कि कभी ना कभी हम भी हेलीकॉप्टर में बैठे। तो भाई आज हमारा सपना पूरा होने वाला है। तो क्या रहता है सपने के अंदर, चलो देखते हैं। भाई भैरू बाबा के लिए भीड़ देखो आप कहाँ से। वही भीड़ लग रही है, लग रहा है नया गेट है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्टिंग है। और ये देखो, और भाई दर्शन कर लिए और अब जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठने। ये हमारी टिकट बुकिंग है और हम चार उगा रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए। हम आ रहा हूँ भाई साहब, भाई दिखा रहे हमारा भाई आ रहा, एक वो आगे भग रहा देखो हेलीकॉप्टर आगे। तो भाई ये हेलीपैड है और अभी अपन चल रहे हैं। और तो भाई आज बर्थडे था तो दोस्तों को सोचा कि भाई बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं, तो कोई नहीं। और अभी हेलीकॉप्टर से हम नीचे जाएंगे। हाय गाइस, और कमल भाई, भाई कैसे एक्सपीरियंस हो रहेगा आज आपका? भाई अब तो पता नहीं, अब तो दिल ऐसे कर रहा है, दक 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 कर रहा है। वहां जाने बाद बैठने बाद पता चले, फिर उसके बाद बताएंगे फीलिंग आई या नहीं आई, या फिर थोड़ा बहुत डर हुआ क्या हुआ। अच्छा। वो बताएंगे बैठने के बाद। एक्साइटमेंट कितनी है ये बताओ, पूछ मत। एक्साइटमेंट भाई बहुत बेपना, मतलब ऐसा हो रहा है कि बैठ जाऊं। हाँ। जाते बैठ जाऊं, आए ना उससे पहले बैठ जाऊं। अच्छा, और हमारा वैसे कोई प्लान नहीं था कि हम हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर में, माता ने अचानक बना दिया। हाँ, अचानक ही यहाँ आने का भी अचानक ही बना है। सब कुछ एक दिन हुआ था, एक दिन के अंदर डिसाइड हुआ कि भाई, हाँ एक दिन में डिसाइड हुआ कि भाई वहाँ चल रहे हैं। और फिर भाई मुझे तो लगा घर वाले परमिशन भी नहीं देते, और घर वालों ने भी दे दी परमिशन। और भाई हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, फिर भी हमने ट्रेन एडजस्ट करके हाँ। आगे पीछे करके आगे हम बैठ अरुण, एक्साइटमेंट बता दे भैया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। राधे भाई तू बता दे भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक्साइटमेंट कितनी है हेलीकॉप्टर में बैठने की? बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है भाई, सभी पहली बार बैठेंगे। तो भाई अब सीधा हेलीकॉप्टर में मिलते हैं। भाई अंदर आप है ना, नारियल वारियल ले जा नहीं सकते, तो नारियल अपना अवॉइड ही करना जितना भाई हो सके। ये हाँ बस, हाँ भाई ये मेहनती बंदा है कमल, हमसे तो फूटा नहीं, तो हमने यहीं छोड़ के जा रहे। और अब चलते हैं आगे। भाई ऊपर से अपन आ चुके हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ के बड़ा आनंद आया, और जय माता की बोल के। और अब चलते हैं सीधे अपने होटल पे, और वहाँ से बैग वैग लेते हैं, और ट्रेन अपनी 3:30 बजे ट्रेन है भाई कमल। हाँ तो 3:20 पे हमारी ट्रेन है, पूजा एक्सप्रेस। भाई इसी में चलेंगे, आज लेट ना हो तो बेहतर है यार, नहीं तो फिर बुरा हाल होगा भाई। आते समय ना 8 घंटे लेट हो गई थी, तो अभी फिलहाल होटल चलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं। अपने भाई रिक्शे में बैठ के और अब चल रहे हैं होटल पे, और अरुण बैठा था भाई आगे वो हेलीकॉप्टर में। और कैसे बैठा था? ऐसे ऐसे बैठ, ऐसे पकड़ के बैठा, कहीं ये पड़ ना जाए। सुन सुन ऐसे करो, डर लग रहो, और वहां ऊपर नीचे करो ना गियर ने, जब करो मर वहां बात, और इसके पट्टे डाल दे तो क्या। ओ ओ अरुण भैया भाई थोड़ी सी देर है आज तो, अरुण आज तो भाई तेरा ख्वाब पूरा हो गया हेलीकॉप्टर का। अब कुछ ना है, अब उठा ले भगवान। तो भाई पैसा हमारे भाई की आज मन्नत पूरी हो गई। सुन भगवान, मेरे को हेलीकॉप्टर मिल गो, गाड़ी मिल गई, ट्रेन मिल गई, पाँव मिल गई, सब मिल गया। अब कोई दिक्कत नहीं, मन्नत पूरी हो गई, गाड़ी कर दिया है। भाई अब पहुंच चुके अपन रेलवे स्टेशन पे, स्टेशन रहा। और भाई हमने अखरोट ले लिए 5 किलो घर वालों के लिए, कि भाई अखरोट अखरोट खाएंगे। भाई ये कमल ने धोखा दे दिया, अब कह रहे ट्रेन कैंसिल हो गई और हम रेलवे स्टेशन पर आ गए। अरुण भाई टाइट पर रख लिए इसको, अभी फोटो वीडियो
बन रही है दिल्ली। और भाई ये हेलीकॉप्टर है, इन्हें में इन्हें सात नंबर ये पे यहाँ से इन्हें में हम घूम रहे थे थोड़ी देर पहले। यस ब्रो 755 सीधा सीधा दिल्ली 755 रात में हाँ शाम की सुबह 7 जो तारे फर के बाद आपको कैसा लगा 14 घंटे लेट होने के बाद? मूड खराब है बड़ो बर्फ थोड़ा सा ये सिम सही हो भाई। अब फिलहाल थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए मन्नत पे रुक चुके हैं और क्योंकि अरुण को भूख लग रही थी। और ये देखो पराठे आए भी नहीं है, रुक नहीं सकता क्या भाई तू? सेट कर रहा हूँ मामले। अच्छा सेट कर रहा है तू? कमल तुझे भूख नहीं लग रही क्या? नहीं सही ना है यार, वापस करवा दे। परेशान होगा ना? भूख परेशान होगा। हाँ तो भाई कमल भाई क्या कह रहे थे? भाई मैं कहना यार उन भूख लग रही है, उन्होंने यार जल्दी कहकर मंगवा पराठा। अभी भाई हमने पराठे ऑर्डर कर दिए, हाथ में एक दही दे अरुण जी के। नु बता पराठा थोड़ी देर लेट हो जाए तो तू चटनी भी खा जा नु सूखी। समझी जी मैं दर ले जाने चक्कर में देख लो नहीं चला गया। अरे हाथ वाली दिख चम्मच चोर में। तो भाई ब्रेकफास्ट करके अब अपन चल रहे अपने घर और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग कैसा लगा वो जरूर बताना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना और जल्दी मिलते हैं एक मस्त से व्लॉग में।